मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालब हैं मुसी यसु के अजीम पुरफ़ज़ल जलाली नाम में नेशनल न्यूज़ देखने वाले तमाम लोगों पर खुदा उनकी सलामती हो प्रोग्राम खुदा उनकी आवाज़ में आज सुबह मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारे साथ आज मौजूद हैं अली जनाब इज़्ज़त मेवरेंड जुनेद जवे साहब जो फाउंडर एंड चेयरमैन हैं गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट चर्च बहार कॉलोनी गुराखपत के तो अभी उनसे मुलाकात करेंगे और उनकी पासबानी खिदमत के बारे में थैंक यू सर आप हमारे नाजरीन को बताइए किस तौर पर आप सर देख सर सबसे पहले तो मैं शुक्र गुजार हूँ नेशनल न्यूज और इसके साथ, साथ भाई बाबर आपका और नेशनल न्यूज़ की सारी टीम का जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया मदा किया ताकि मैं आपके साथ मिलकर आज कलाम की खूबसूरत भेद को आपके साथ मिलकर व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं सबसे पहले तो बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है पासबानी ख़िदमत मैं शुक्र गुज़ार हूँ का का खुदांद ने मुझ नाचीज़ को चुना आई वॉज़ वेरी यंग मैं बहुत छोटा था चौदह पंद्रह साल का था जब खुदा ने मुझे कॉलिंग दी मुझसे कलाम किया और ख़ुदा उनके अजीम ख़ादम पासर सालम डब्ली जॉनसन जो कि बिशप विलियम जॉनसन साहब के साहबजादे हैं उनके ज़रिए से खुदा ने कलाम किया और वो अमेरिका में थे उन्होंने अपने फादर को कॉल किया और बताया कि खुदा ने जुनेद के लिए मुझसे कलाम किया है कि खुदा उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता, चाहता है।, है मैं उस वक्त पी जी ए में जाया करता था कुर में था मैं और अभी कोई से हमने कोई कुछ नहीं और साथ साथ फिर मैं अपना जब वापस आए उन्होंने मुझसे डिस्कस किया और मैंने उस कलाम को लिया मैंने कहा जी मैं इस कलाम को लेता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ू क्योंकि तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो उसके साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ उन्हीं की सेमनरी को भी ज्वाइन किया कलाम को प्रॉपर सीखा उसके बाद टू में मुझे मौका मिला कलाम को मजीद सीखने का तो एफ में मैंने एडमिशन लिया उनके साथ भी की दो साल और उनके साथ खदमत यानी जो मेरी बेस थी से पीजी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तु जगहों में उनके साथ क्रोसेट्स में कन्वेशनस में चर्च में आ, खुदा इस्तेमाल करता रहा और फिर टू थाउज़ेंड थ्री से टू थाउज़ेंड फाइव में एफ जी ए बाइबल कॉलेज में बतौर तलब इम मैंने कलाम को सीखा टू थाउजेंड फाइव में मेरी ग्रेजुएशन हुई और उसके साथ साथ ही टू थाउज़ेंड वन में मैं मुख्तलिफ इलाकों में खदमत कर रहा था एवंजलज़म खुदा मुझे जब ख़ुदा ने उनसे कलाम किया तो वो ये था कि नौजवानों और गैर अव में ख़ुदा इस्तेमाल करेगा तो खुदावन का शुक्र कि खुदा ने मुझे एवंजलिज़म के लिए इस्तेमाल किया गैर अव में मुस्लिम्स में हिंदूज़ में सिखों में ख़ुदा ने मुझे इस्तेमाल किया कलाम की खदमत के लिए और पासबानी ख़दमत को मैंने टू थाउजेंड वन से मैंने आगाज़ किया आगाज़ किया उससे पहले एवंजलज़म कर रहा था मैं और टू थाउजेंड वन में मैंने ग्रीन टाउन में

बहुत से पानी के बपतिस्मे में हुए रूलक उसके बपतिस्मे में बाइबल स्टडी का आगाज किया वहाँ पर और उसके बाद खुदावन के साथ वफादारी से चलते रहे और 2012 में 11 से तकरीबन मैं छः माह रोज़े के मशक्क़त के अंदर था रोज़ाना मेरा रोज़े के अंदर था मैं और 2012 में खुदावन ने मेरे इतने साल की खिदमत का मुझे अजर चर्च की सूरत में दिया जो कि बाहर कॉलोनी कोट लखपत में है बहुत खूबसूरत चर्च है और ख़ुदा उनका शुक्र हो कि खुदा ने मुझे वहाँ पर पासवानी खिदमत दी है कि मैं उस चर्च को एज अ पास्टर लीड कर रहा हूँ मेरे साथ चार पासबान हैं बुजुर्ग पास्टर हैं असिस्टेंट पास्टर हैं है, है, यूथ पास्टर हैं और फीमेल को भी जो लीड करती हैं वो भी हैं संडे स्कूल को जो लीड करती हैं वो भी हैं खुदा का शुक्र है और इसके साथ साथ पिछले साल पेंडेमिक सिचुएशन में जब लॉकडाउन था चर्चेज बंद थे लोग अपने घरों में कैद थे खुदा ने मुझे तोफ़ी दी लास्ट ईयर एक चैनल का आगाज़ किया खुदा उनके फजल से एच बी एन टी वी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के नाम से और ख़ुदा उनके फ़जल से आज एच बी एन टी वी ऑलमोस्ट ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुंच चुका है का शुक्र हो और खुदा के नाम की तारीफ हो पिछले महीने आ, जुलाई नौ को हमारा साल कंप्लीट हुआ एच बी एन टी वी का और हाँ थैंक यू सो मच हमारे इंडिया में दो सेंटर हैं दो तीन कोऑर्डिनेटर्स हैं और दो सेंटर इंडिया में एच बी एन टी वी एच बी एन टी वी के और जुलाई ही में तकरीबन पंद्रह सोलह तारीख को मुल्तान में गया हूँ और मुल्तान में भी हमारा एक सेंटर स्टार्ट हो चुका है स्टूडियो वहाँ पे भी एच टीवी एन टी वी का है और खुदावन ने फजल दिया लास्ट वीक लास्ट ये जो संडे गुजरा है इससे पिछले संडे रायवंड सुल्तान के में हम अपने ब्रांच चर्च की ओपनिंग करके आए वहाँ पर खुदा का शुक्र हो जी नाजी बहुत खूबसूरत बातें खुदा के बंदा की जुबानी ये जरूर आपके लिए भी बाश बरकत होंगी अभी वक्त है कि हम खुदा उनकी जिंदा आवाज को उसके खादिन से सुने अलमसी की शान अकदस में तमाम नेशनल न्यूज देखने वालों को सलाम कबूल हो मैं खुदावन का खादम रेबन जुनेद जावेद दिल की अदा गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ खुदावन का इस खूबसूरत लम्हा के लिए इस वक्त के लिए आज सुबह के लिए जो आप मॉर्निंग शो देख रहे हैं आज सुबह का सलाम और मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग सुबह बखैर खुदांद आपको बरकत है और जिस तरह खुदा यसुमसी हमेशा अपने शागिर्दों को अपने लोगों को कहते थे खुदा की सलामती आप पर हो सो आज सुबह जितनी जिंदगी भी इस पैगाम को देखें सुने खुदा की सलामती खुदा की रहमत खुदा की बरकत खुदा उनकी कुदरत आपके साथ दिन के आगाज से आखिर तक आप पर ठहर रहे आमेन आज सुबह खुदावन के जिंदा कलाम में से हम सीखेंगे खुदा का कलाम पाक है खुदा का कलाम जिंदा है खुदावन का कलाम मोतबर आला है हर दो धारी तलवार से ज्यादा तेज जो बंद बंद गुदे गुदे में से होकर गुजरता है खुदा का कलाम हमारी तकदीस करता है खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है बाइबल मुकदस में से आज सुबह हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे आज सुबह का पैगाम जो है वो है प्रोमिस ऑफ गॉड यानी खुदा के इलाही वादे बाइबल मुकदस खुदा के वादों का खजाना है और जब हम इस कलाम को खोलते हैं पढ़ते हैं कई वादे हमारे सामने आते हैं और इस खुदामंद अपने कलाम में इस कलाम को जब हम पढ़ते हैं बाइबल मुकदस का जब मुता करते हैं तो तकरीबन दो हजार से जायद वादे अहद अतीक और अहद जदीद दोनों अहदनामों के अंदर हमें यह वादे दर्ज मिलते हैं और यह वादे नस्ल इंसानी की तरक्की नस्ल इंसानी की बरकत बहाली खुशहाली सरफराजी और मामूरी के लिए हैं जब भी यह वादा हमारे सामने खुलता है वो ये वादा मेरे और आपके लिए है तो आए वक्त को किए बगैर बाइबल मुकदस को हम खोलते हैं जबूर की किताब एक सौ तीन जबूर उसकी तीसरी चौथी पांचवी आयत इन तीन आयत में छह वादे हैं जब भी आप मुश्किल में हो परेशानी में हो दुख में हो तकलीफ में हो जबूर की किताब का मुताला करें यह तस्कीन देगी आपको आपको सुकून मिलेगा आराम मिलेगा आपकी नाउमीदी जो है वो जाती रहेगी आपको एक जिंदा उम्मीद एक बरकत आपके लिए खुल जाएगी और सुबह सवेरे जरूर मुतालिया किया करें जबूर की किताब का जबूर की किताब को जब आप सुबह सवेरे पढ़ेंगे तो एक नई ताजगी आपकी जिंदगी में आएगी एक नई बहाली आएगी एक नई बरकत आएगी ताजगी मिलेगी आपको तो तीन चार और पांच आयत में छह वादे दर्ज हैं लिखा है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है वो तेरी जान हलाकत से बचाता है वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसुदा करता है तू उकाब की मानेंद असर नो जवा होता है कलाम खुदामंदी का पढ़ा सुना और समझा जाना भाई से बरकत हो सो खुदामंद आपको आज इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत देगा ईमान के साथ सुनेगा और उसको शेयर करना मत भूलिएगा शेयर कीजिए और अपने हिस्से की भी बरकत को हासिल कीजिएगा सो पहला वादा है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है नोहा की किताब के अंदर हम देखें तो वहां पर बाइबल मुकदस में लिखा है तुझसा खुदा कौन है जो बद किरदारी मुआफ करे जो बदफेली मुआफ करे यकीन मेरे अजीजों मेरे भाइयों मेरी बहनों यहोवा खुदा की मानंद यहोवा जिंदा खुदा की मानंद यस्सु की मानंद कोई नहीं है जो बदकारी बदफेली को मुआफ करे फक्त एक ही हस्ती है खुदा और खुदा मन यस्सु जो बदफेली को बदकिरदारी को बदकिरदारी को बदकारी को मुआफ करता है हम देखते हैं यसु मसीह जब अपनी जमीनी खिदमत के दौरान जिंदगी बसर कर रहे थे तो जब वो रास्ते में से गुजरते हैं तो एक औरत जो एन जना के वक्त पकड़ी गई थी लोग उसको पत्थर मार के संसार कर रहे थे यीशु ने नीचे जमीन पर कुछ लिखना शुरू किया लिखना शुरू किया और उठते ही कहा तुम में से पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी गुनाह ना किया मेरा यीशु वो नीचे जमीन पर कुछ और नहीं बल्कि गुनाह लिख रहा था अब जब सब लोग पत्थर छोड़कर भाग गए यीशु ने औरत से कहा बेटी जा फिर गुनाह ना करना आमीन उसे एक जिंदा उम्मीद मिल गई उसे एक वादा मिल गया कि वो जो बदकिरदारी में थी बदफेली में थी अहम सिना के वक्त पकड़ी गई खुदावन ने उसके गुना मुआफ कर दिए उसकी हालत बदल गई उसका किरदार बदल गया और उसको वादा मिल गया कि जा फिर गुना ना करना तेरे गुनाह मुआफ हुए हैं अगर आप आज गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं अगर इबलीस आपको गुनाह की तरफ माइल करता है कायल करता है तो खुदावन का जिंदा कलाम कहता है बेटे घर लौटा और बाइबल में है, तुम अपने गुनाहों का इकरार करो तो वो तुम्हारे गुनाहों को मुआफ करने में सच्चा और रास्ते में गनी है खुदामंद खुदा यह होवा खुदा है जो बदकिरदारी बदफेली को माफ करता है गुनाहों को माफ करता है कारी के भी गुनाह माफ करता है दाऊद ने जब गुनाह किया हिती होरिया की बीवी के साथ उसने गुनाह किया तो जब नाते नबी ने उसको जाके बताया तो खुदामंद खुदा ने उसके गुनाह को माफ किया और कहा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है दाऊद ने करार किया और क्या कहते हैं खुदा मैंने तेरा गुनाह किया मैंने बदी में सूरत पकड़ी जूफे से मुझे धो ताकि मैं पाक साफ होगा दूसरा वादा वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है हालेलुया तमाम बीमारियां कोई ऐसी बीमारी नहीं जो मेरे और आपके यहोवा खुदा के सामने ठहर सके डॉक्टर्स लाइलाज कर देते हैं और शायद आपको जवाब दे दें कि इसको घर ले जाओ इसकी खिदमत करो या इसके लिए दुआ करो ला इलाज बीमारी का भी इलाज यस्सु के पास है जिले मुबारक का मतलब करें अगर हम तो यशु मसी जब बैतें हस्दा के हौज पर गया वहां पर कई तरह के बीमार मौजूद थे लंगड़े अंधे लुंजे टुंडे वहां पर मौजूद थे और वहां पर अड़तीस बरस का बेारो मददगार बीमार मौजूद था और लोगों का कहना था उनका एक कदा था कि एक मखसूस वक्त में फरिश्ता उतरता था हौज के पानी को हिलाता था और जो कोई इस पानी में डुबकी लगाता था वो शिफा पा जाता था अब जब फरिश्ता आता था ये बेचारा अड़तीस बरस से इंतजार में है चार पाई पर है कि कोई इसको उठाए और उस होज के पानी में ले जाए लेकिन इसके पास कोई साथी नहीं कोई दोस्त नहीं बेयारो मददगार है यस्सु उसके बीच में आ खड़ा हुआ और यस्ु उसको कहता है क्या तू चाहता है कि ठीक हो जाए अच्छा हो जाए शिफा पा जाए यसु उसकी शिफा की बात करता है और वो क्या कहता है खुदावंद मेरे पास कोई साथी नहीं कोई मददगार नहीं कि जब फरिश्ता आए पानी को हिलाए तो मुझे उठाकर पानी में डाले तो मैं अच्छा हो जाऊं वो नाउमीदी की बात कर रहा है और यस्ु उसका ध्यान फरिश्ते और पानी से हटाकर अपने पर लगाना चाह रहा था और यस्ु ने कहा मेरी तरफ देख क्या तू चाहता है कि शिफा पा जाए और जो ही उसने अपनी निगाहें होश के पानी से हटाकर यसू पर लगाई बाइबल में लिखा है कि वो 38 बरस का बीमार शिफा पा गया हालिया तमाम बीमारियों से कोई भी बीमारी आपकी अगर है बीमारी जो आपके बदनों में दुख बनकर मुसीबत बनकर नासूर बनकर पहाड़ बनकर ठहरी हुई है उसे हुक्म करें यस्सु के नाम में वो यस्सु के नाम में जाती रहेगी वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा दे तीसरा वादा वो तेरी जान हलाकत से बचाता है गुनाह की मजदूरी मौत है मेरे भाइयों मेरी बहनों खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई बेटे पर यीशु पर उसके कलाम पर ईमान लाए वो हलाक ना हो वो मर ना जाए वो तबाह ना हो वो जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है मेजिजो खुदा उनके बगैर जिंदगी नहीं है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी और जिसके पास खुदा का बेटा यस्ु नहीं उसके पास जिंदगी नहीं अगर आप हलाक नहीं होना चाहते जिंदगी पाना चाहते हैं यस्ु को कबूल कर लें चौथा वादा वो तेरे सर पर शफकत रहमत का ताज रखता है आज हर कोई चाहता है कि उसका नाम लिया जाए उसका नाम मकबूल हो और कई सौ साल पहले बादशाही दौर था बहुत से बादशाह बर्पा हुए और उनके बाइबल में लिखा है जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिन का है और वो दुख से गम से भरा हुआ है वो मर जाएगा इसलिए गई, ताज उनके सर सर पर पर सलामत नहीं। आज जो मलका के सर पर, ताज उसके सर की जिनत है वो भी उसके सर पर कायम ना रहेगा लेकिन यीशु मसीह का कलाम फरमाता है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा वो तेरे सर पर शफकत फर का ताज रखता है पांचवा वादा तो उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसुदा होगा हम सब चाहते हैं कि अच्छे फल खाएं अच्छी खुराक खाएं अच्छे लिबास पहने अच्छी गाड़ी में जाएं अच्छी जगह पर रहें हम अच्छे काम देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को हासिल करना चाहते हैं हम अपने बच्चों को भी वही अच्छी चीजें खिलाना चाहते हैं अगर ऐसा है तो फिर हमें खुदा के साथ से चलना है और खास तौर पे आज मैं आपको उकाब के ताल्लुक से बताना चाहता हूं बहुत से लोग आज मॉर्निंग थॉट बड़ा खूबसूरत है ये और उकाब के तालुक से मैं बताना चाहूंगा बहुत से लोग इस पेंडेमिक सिचुएशन में मायूस हो चुके हैं नाउमीद हो चुके हैं हरासा हो चुके हैं बेदिल हो चुके हैं उकाब छटा वादा है तो उकाब की मानंद जवा होता है उकाब की जो एवरेज एज है उसकी उम्र का हिस्सा सेवेंटी ईयर्स है सत्तर बरस वो जीता है लेकिन इस उम्र तक पहुंचने के लिए यानी सत्तर सत्तर साल तक की उम्र तक उसको पहुंचने के लिए एक सख्त मेहनत में से गुजरना पड़ता है और जब उसकी उम्र चालीस साल की होती है यानी जब वो चालीस साल का होता है तो उसके पंजे कुंद हो जाते हैं और जिससे वो अपना शिकार दबोच नहीं पाता इसी तरह उसकी मजबूत चोंच जो है वो टेढ़ी हो जाती है जिससे वो अपने शिकार को या गोश को नोचता और खाता है और उसके पर जिससे वो परवाज करता है वो भी वजनी हो जाते हैं और भारी होने के बाइस उसके सीने के साथ चिपक जाते हैं जिससे उसको उड़ान भरने में शदीद परेशानी और सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है इन सब मुश्किल के होते हुए उसके सामने दो मराहल हैं दो रस्ते हैं या सरेंडर कर दे मर जाए या तीन महीने का एक तवील मुश्किल सफर से उसको गुजरना पड़ेगा यानी डेढ़ सौ दिन की एक मराहल है तैयारी है अगर उसमें से डेढ़ सौ दिन की तैयारी में से गुजरेगा तो अगले तीस साल फिर जीने के लिए वो तैयार हो जाएगा नहीं तो चालीस साल ही की उम्र में वो मर जाए सरेंडर कर दे ऑफ कर दे या तो वो मौत को तस्लीम कर ले या फिर डेढ़ सौ दिन का सख्त सख्तरी मुश्किल तैयारी के उस मरले में से गुजरे चुनाचे वो पहाड़ों पर जाता है और सबसे पहले अपनी चोंच जो है वो चटान पर पत्थरों पर मारता है ताकि उसकी टेढ़ी चोंच जो है वो कट जाए और उसके बाद वो टूट जाती है कुछ दिन के बाद उसकी कटी हुई चोंच जो है वो निकलना शुरू होती है तेज चोंच आ जाती है तो फिर इससे अपने सारे नाखून जो कुंद हो जाते हैं उन नाखूनों को वो चीरता है उतार देता है काट फेंकता है फिर जब उसके नए नाखून निकल आते हैं तो फिर वो चोंच और नाखून के साथ अपना एक एक बाल जो है परों को नोच देता है उखाड़ देता है और इस सारे अमल में उसको तीन माह तकरीबन पांच माह और डेढ़ सौ दिन जो है उसको लगते हैं और पांच माह की तवील तकलीफ और मुश्किल सफर में से उसको गुजरना पड़ता है अगर वो चाहता है कि तीस साल और जिए पांच माह बाद जब वो उड़ान भरता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका नया जन्म हुआ है और यू महसूस होता है कि अब वो फिर जवान हो गया है इसलिए लिखा गया है कि तू उकाब की मानंद असर नौजवान होगा अगर आप भी अपने मुश्किल तरीन लम्हात में से गुजर रहे हैं पेंडेमिक सिचुएशन में मायूस है नाउमीद है बेरोजगारी है बेबर्ती है रोजगार बंद है या आप मायूस हो चुके हैं थक चुके हैं खुदाउंद आपको चाहता है उठ खड़ा हो मैं तुझे उकाब की मानंद नया जोर दूंगा नई ताकत दूंगा नई दलेरी दूंगा तो फिर उठ और ऊंची परवान उड़ इस तरह वो मजीद तीस साल और जीने के लिए तैयार हो जाता है उकाब की जिंदगी इन सारी बातों से हमें यह सबक मिलता है कि बाज दफा हमारे लिए अपनी जिंदगी को बदलना बहुत मुश्किल होता है जिस तरह उकाब की जिंदगी में भी उसको बदलाव चाहिए अगले तीस साल जीने के लिए तो हमें भी बदलना है सोच को बदलना है ख्याल को बदलना है इरादों को बदलना है ताकि हम आइंदा को हम नई बरकत के लिए नए वादों के लिए तैयार हो जाए जो हम खुदा हमारी जिंदगी में हमें देना चाहता है ताकि हम इससे बेहतर जिंदगी गुजार सकें अगरचे इस जिंदगी को बदलने के लिए हमें सख्त जदोजहद क्यों ना करनी पड़े हमें करना पड़े हमें करना चाहिए ताकि हम उस सख्त तरीन मराहल में से गुजरें आजमाइश में से गुजरें और बाइबल मुकदस में लिखा है कि ए भाइयों जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसे कमाल खुशी की बात समझना क्योंकि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सबर पैदा करती है और सबर को अपना पूरा काम करने दो